बिलासपुर में कृषि विभाग के सुजन्य से आत्मा परियोजना के सहयोग से महिलाओं को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से जोड़कर जिले के चारों विकास खंडों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इसी के चलते आत्मा परियोजना के तहत जिला मुख्यालय पर सदर ब्लॉक की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें फार्मर कमेटी के अध्यक्ष प्रगतिशील किसान ब्रजलाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कृषि उप निदेशक डॉक्टर कुलदीप पटियाल, परियोजना निदेशक डॉक्टर रवि शर्मा, उप परियोजना निदेशक डॉक्टर देशराज, SMSS डॉक्टर राजेंद्र सहित प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे। इस अवसर मुख्य अतिथि ब्रजलाल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को समाज व परिवार में अहम स्थान है, इसलिए महिलाएं प्रकृति खेती के परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से अपने अपने परिवार में छोटे छोटे स्तर पर प्रकृति तथा रासायनिक युक्त खेती को अपनाने का आह्वान किया। कुमार विषयवाद विशेषज्ञ सदर खंड बिलासपुर, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन है वो किसान भवन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जो कृषि विभाग द्वारा जो महिला और किसानों के लिए उत्थान के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही है उनके बारे में महिला को विस्तृत जानकारी दी, तथा इन महिला के सशक्तिकरण के लिए जो अपने घर में किचन गार्डनिंग में प्राकृतिक खेती को अपनाएं और आने वाले वर्ष 2022 तक कृषि को दुगना करें। नाम सुनीता ठाकुर हूँ, बरमाणा की स्थायी निवासी हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के ऊपर कृषि विभाग ने बिलासपुर किसान भवन में वो कैंप रखा है, बहुत सराहनीय है। और जैसे कृषि खातर हमें बहुत पहले भी हमने कैंप किए हैं, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। आज महिलाओं के बीच हम कैंप रखे हैं, कम से कम 100 महिला यहाँ पे हर पंचायत से आई है और मैं विभाग DDA साहब का मैं बिलासपुर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतने अच्छे हमें सुझाव दिए।